भगोड़ी के नाम से चैनल चलाने वाले, थोड़ा सा दया कर दो उस पे। बिचारी दुखी है, परेशान है, उसका विरोध करते हो, उसके नाम से ही तुम्हारा घर चलता है। आज भगोड़ी की कोई बहुत सारी चीजें, वो दया याचिका लगा रही है भारत के लोगों से कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो आपको बता दूं क्या बिगाड़ा है बिचारी ने। उसके नाम से सभी यूट्यूबर तो कमा रहे हैं ना, सबका घर चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, मैं भी डॉलर छाप रही हूँ, ये जो कह रहे हैं। और आज बता दो उसकी गलती क्या है। गलती कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया, गुलाम हैदर को ही तो धोखा दिया, उसका घर ही तो बेचा है, उसके चार बच्चों को लेकर ही तो भागी है, किसी का कुछ थोड़ी ना चुराया, पाकिस्तान को धोखा ही तो दिया है। क्या किया, पाकिस्तान के पड़ोसी देश भारत में ही तो आई है, किसी सात समंदर पार 10,000 करोड़ किलोमीटर, अब मुझे तो आइडिया भी इतना नहीं है, उतने दूर तो नहीं गई है ना, भारत के पड़ोसी देश में तो आई है भाग के। कौन सा गुनाह कर लिया, चार बच्चे ही तो चुराए हैं, एक बाप को एक साल से मिलने ही तो नहीं दिया है। इससे बड़ी गलती उसकी कौन सी बड़ी गलती है भाई। उसके नाम से भारत में आई है, भारत के लोगों को रोजगार दे रही है, साथ में पाकिस्तान के लोगों को भी रोजगार दे रही है। कितनी महान है भगोड़ी, आपने सोचा है कि वो क्यों इतना आगे आके बैठ के आपके खिलाफ बोलती, क्यों भाई। उसके नाम से कमाते हो आप लोग, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी मानती हूँ इस बात को, भगोड़ी के नाम से ही तो खा रहे हम कमाई, इससे पहले हम कहाँ खा रहे थे भाई, हमारे तो लाले पड़े हुए थे, भीख मांगने की नौबत आ रही थी, सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान भीख ही तो मांग रहा था। जब से भगोड़ी आई है सबकी दुकानें चल गई, सबके घर चल गए, सबके चूल्हे चल गए, क्या हुआ, किसी का क्या बिगाड़ लिया उसने, अपना ही तो बिगाड़ा ना। लोग उसे गलत गलत कह रहे हैं, वो चीज मैं नहीं बोल सकती सॉरी, क्योंकि मैं मेरा वीडियो और लोग भी देखते हैं, लोग उसे गलत गलत बोल रहे हैं, उसे बोल रहे हैं ना, बाकी और लोगों को तो नहीं बोल रहे, कैरेक्टर पे सवाल उठ रहे उसके उठ रहे ना, एपी सिंह अगर उसका यूज कर रहा तो उसके ऊपर उठ रहे ना सवाल, मोबिन मलिक सर को चूहा कह दिया तो क्या हुआ, मोबिन मलिक सर महान काम तो कर ही रहे ना। ये है भगोड़ी का कारनामा, और ये भगोड़ी जो ना करे वो कोई ना करे। ये जिस तरीके से दांत फाड़ती है, और फिर मेरे भाई बहन आते मेरे पास, दीदी इसका कुछ करो, हम देख नहीं पा रहे, तो मैं आप लोगों से कहती थोड़ा सा और वेट कर लो। मैंने बोला ना, जितना ये उल्लंघन करेगी, जितनी ये गलतियां करेगी उतनी ये पकड़ी जाएगी। ये धड़ल्ले से बोलती है, जो लोग मुझसे जलते हैं मुझे नागरिकता मिलने के बाद देख रहे हैं उनके हाव भाव, तो मैडम हमको इंतजार है तुम्हारी नागरिकता का, हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अनपढ़ है ना, हमें पता ही नहीं है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे भाई, तुम इनलीगल घुस के आए हो, तुमने जो महान काम किया है उसके लिए तुम्हें अवार्ड तो मिलना चाहिए, वो अवार्ड तुम्हें नागरिकता के रूप में मिलेगा, तुम्हें पता है, बाकी सारा देश जानता है, हमारा कानून जानता है, हमारा कोर्ट जानता है, हमारे देश का अनपढ़ बच्चा भी जानता है कि इनलीगल व्यक्ति को कानून नागरिकता तो बहुत दूर की बात है, कभी भी कोई अधिकार नहीं मिल सकता है। क्या किया भगोड़ी ने, दांत ही तो फाड़ती है ना, अगर नेत्रपाल के घर में आके नेत्रपाल को दो चार चाट मार के, दो चार चाट समझ नहीं पा, मैं अपनी भाषा बोल गई, चमाट जोर के लगा दिए, लप्पू को दो चार झापड़ लगा दी, लप्पू से तू तड़का कर दिया, तो क्या बुरा गया भाई, उसके घर में रह रही है, गुलाम हैदर का मकान बेच के आई है, उसका मकान छुड़ाया है, उनका पेट भर रही है, तो क्या बुरा करा भाई, क्यों हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि सारा राज तो ये लप्पू की अम्मी जो भगोड़ी है वो उसका है, क्योंकि भारत में आई भाई, वो पैसा लेके आई है गुलाम हैदर का, पाकिस्तान से सारा मनी समेट कर वो इंडिया में आई है, क्या गलत किया। अगर वो सचिन की बहनों से, सचिन की चाची से, सचिन की अम्मा से ठुमके लगवा रही है तो क्या गलत किया, उनके चूल्हे तो जला रही है ना, बिल्कुल। अब मैं सोच रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ हमारे मोदी जी को बार बार गोद में लेती हूँ, उनकी फोटो फिर कूड़े में फेंक देती है, कभी रोने लग जाती है, कभी कहती मोदी जी योगी जी मेरे, और कभी जब वीडियो बनाती हूँ वो बेसुध हो जाती है, उसे पता नहीं होता कि साइड में मैंने कचरे में मोदी जी की फोटो फेंकी है, और पब्लिक मुझे नहीं समझ सकती क्योंकि मैं हर बार तो झूठ बोलती हूँ, इस बार भी मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारी ऑडियंस है उसकी गलती छोटी छोटी गलती को कैच कर लेती है। क्या गलती करी उसने, मोदी जी की फोटो साइड में तो फेंकी है ना। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी से कि सर आप एक दिन के लिए अवकाश ले लीजिए, आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, क्योंकि आपकी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई है, आपकी दाढ़ी को कटवाने के लिए आपको समय चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा तो भगोड़े के पास बहुत है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, सर आप एक दिन का प्लीज 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 हमारे सारे 140 करोड़ जनता की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक दिन का रेस्ट लीजिए, आप अपनी दाढ़ी बनवाइए, वरना मोबिन मलिक सर की तरह आपसे भी बोल देगी कि आपके पास दाढ़ी बनाने का पैसा नहीं है, यह हम सब भारतीयों की बेइज्जती होगी, सर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक दिन का रेस्ट मिले और उसके बदले इसको
उस जगह पे बिठा दिया जाए। इसको जो मोहतरमा पाकिस्तान से इलीगल आई है, जो अपना शासन चला रही है, तो ये बिना गद्दी में बैठे जो शासन चला रही है ना, लोगों को राय दे रही है, तो हम चाहते हैं एक दिन ये माननीय प्रधानमंत्री की जगह बैठ के अपना राय दे, और वो राय हम देखना चाहते हैं कैसा दे। हमारे देश में कितना हुड़दंग मच जाता है एक ही दिन में, अगर इसका शासन चल गया ना, आपको लगता है तहस नहस ना हो जाएगा, सब कुछ अकराल बिकराल नहीं हो जाएगा, आपको नहीं लगता? लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से बातें करती है ना, इसके बातों के तीर बच्चों को तक पागल कर देते, तो कहीं ना कहीं ये भैया इसके हाथों में शासन तो बहुत दूर की बात है। अगर इसको हमारे, मैं पहले क्षेत्र पंचायत रही हूँ ना, 14 गांव थे मेरे अंदर, तो एक वार्ड मेंबर था, इसी की तरह छिछोरा था वो, हर बार उठ के अपनी हरकतें शुरू कर देता, मतलब उसकी नज़र में ना क्षेत्र पंचायत कोई मायने रखता था, मेरे अंडर में 2 ग्राम प्रधान थे, उसकी नज़र में ना वो ग्राम प्रधान मायने रखता था, वार्ड मेंबर, जबकि एक ही वार्ड एक पट्टी का होता है, उसको लगता था मैं सब कुछ हूँ। वो जाता था कभी सांसद जी के आगे उछल जाएगा, कभी SDM सर के आगे उछल जाएगा, मतलब हर किसी की बुराई, हर किसी को अपनी वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में एक दिन ऐसा हो कि दूसरी बार उसे इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये एक भगोड़ी है ना, इसकी गत दुर्दशा कहते हैं, वो ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों जब से भगोड़ी भारत में आई है, इस बिचारी को तो यहाँ पे कैद बंदी हो गई ना, लप्पू के घर में इसे बेल में छूटी, तो इसको परमिशन नहीं है भाई, ये कुछ कर नहीं सकती। अगर गिने चुने लोग इसके घर आते, हम लोग सवाल खड़ा कर देते, कितनी ज्यादती करते इस पे, कितना अत्याचार करते इस पे। एक तो बिचारी इनलीगल आई है, 4 बच्चों को लेके आई, कितना रिस्क लिया उसने भारत में आने के लिए। ये कहती है भारत में मुझे पूरा भरोसा है, जबकि इसका स्टार्टिंग का वीडियो देखना, जो उठा उठा के लोग डाल लेना, इसकी शकल में जो बिल्कुल डर जाएंगे, वजी से कल वाली जो वीडियो स्टार्टिंग का देखना, इसने तो एहसान किया हम भारतीयों पे भैया, इतना महान काम तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तो इतिहास में गवाह रहेगा, इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया जाएगा कि कोई भगोड़ी आई थी 4 बच्चों को लेके, और इतनी खतरनाक, इतना मतलब सॉरी खतरनाक नहीं, मतलब इतना ज्यादा वो एक्टिव थी कि उसने पूरे देशों में भूचाल मचा के रख दिया, उसका कारनामा इतिहास में गिना जाएगा। अरे इस भगोड़े की तो हमें पूजा करनी चाहिए भैया, सनातन धर्म में आ गई, 1 पहले ही तो गाय खाया है इसने, अब तो सनातन ही है ना, इसने 4 साल से सनातन धर्म फॉलो कर रही थी, 1 पहले भारत आई, लेकिन इसने अपनी वीडियो में बता दिया कि भाई 1 पहले मैं गाय भी खाती थी, मैं मुर्गा भी खाती थी, मैं बकरा भी खाती थी, लेकिन मैंने सनातन धर्म 4 पहले फॉलो कर दिया था। अब भैया 4 पहले सनातन धर्म इसने फॉलो कर लिया, गाय तो 1 से खा रही ना, इसने महान काम किया ना, इसने हमारे धर्म की भी रक्षा करी, हमारे सनातन धर्म का बेइज्जती नहीं किया, तो क्या बुरा किया भैया उसने, झूठ ही तो बोला है। 4 पहले वो सनातन धर्म फॉलो कर चुकी थी, गाय तो उसने 1 पहले छोड़ दिया था ना, जब भारत आई पाकिस्तान में तो खाती थी ना गाय, उसने बोला है ना अपने वीडियो में, तो मैं थोड़ी ना बोली भैया मना ना, मैं तो बहुत डरती हूँ, मेरा तो बिल्कुल नाम मत लियो भैया कहीं पे, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये था, ये सीमा हैदर ने बोला अपनी वीडियो में, क्यों आप लोग पीछे पड़े रहते हो भगोड़ी के। अरे उसको तो आपको महान मानना चाहिए, उस महिला की वजह से हमारे देश की जो गाँव की देहात की ऐसी महिलाएं थी बेचारी, जो बोलती भी नहीं थी, वो भी विरोध करके खड़ी हो गई ना, इसके नाम से चैनल चला रही है, पैसा कमा रही है, भैया कितना महान काम। तुम सीमा हैदर को एक अवार्ड, हम भारत की सारी बहन बेटियों से और मोबिन मलिक सर से, सारे लोगों से रिक्वेस्ट करते भैया इसके लिए कोई एक ऐसा अवार्ड बनाओ जो आज तक हमारे देश में किसी को भी नहीं मिला हो, हमारे देश में जो अवार्ड किसी को नहीं मिला वो अवार्ड इसको देना चाहिए भाई, बनता हक इसका। 4 बच्चों को लेके आई ना, नेपाल के अंदर घुसते ही जो बच्चों के गले में इसने एक इतना बड़ा हाथ बच्चों के गले में घुसड़ के रिस्क लेके उल्टियां करवा के पुलिसकर्मी को धोखा दिया, इतना बड़ा काम कोई कर सकती? भारत की कोई बेटी नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकती, मैं तो कर ही नहीं सकती भैया, मैं तो बड़ी डरती हूँ इन चीज़ों से। तो आप लोग सोचिए ना, ऐसी महिला के पीछे पड़ना क्या अच्छा है, ऐसी महिला के पीछे आप पड़ जाते हो यार, कोई गलत है ना। मुझे कई लोगों ने कहा उसके नाम से खा रहे हो रोटी, वो चली जाए उसका मैटर खत्म हो जाएगा भाई, तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तुम्हारा खाना बंद हो जाएगा। मैं तो अभी से बड़ी टेंशन में भाई, अगर ये चली गई तो हमारी तो दुकानें सच में बंद हो जाएंगी, क्यों नहीं इसको यहाँ रख दिया जाए, इसको भारत में रख दिया जाए, है ना, हम सब लोग मिलके मांग करते हैं। इसलिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहती हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एक दिन आप रेस्ट करिए, इस भगोड़ी को गद्दी में बिठा के सब कुछ दे दीजिए, देखिए हमारे कानून का कैसा इंसाफ करती है, एक ही दिन में इस सारा जितने केस पेंडिंग होंगे ना, सालों से लटके होंगे, जितने भी AP सिंह ने 10-20 साल पीछे रगड़ने की कोशिश की होगी, कोई इक्का दुक्का केस मिला होगा, उसका फैसला ये तुरंत कर देगी भाई, तुरंत, इसको टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये झूठ बोल देती ना, आज इसने ऐसा बोला, दूसरे दिन नहीं
ये तो मैंने बोला ही नहीं। जैसे इसने कहा कि मैं मेरी शादी करा दो, मैं आ गई हूँ, प्यार मांगू, लपू के आ गई हूँ, और ये तुरंत आते ही जब इसको कहा जाता भाई मैंने शादी कर ली है, तो ये एनिवर्सरी मना के और एक साल पहले या दो साल पहले चार साल पहले लपू से शादी कर ली और तब भी धर्म परिवर्तन कर लिया। आप जानते हो इस औरत की सच्चाई कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों ये तो एक थोड़ा इसका कॉमेडी भी था और इसका जो हकीकत है वो भी लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतनी त्रिया चरित्र, इतने अंदर इसके जहर भरे, इतना झूठ भरे भरा है कि इसको बाहर हमारे भारत के लोग, हमारे पाकिस्तान के भाई बहन जितने खींच खींच कर ला रहे, नहीं ये फिर आती सामने, भाई मेरे से कोई कुछ कह ही नहीं सकता, मैं तो भारत में आ गई हूँ, भारत में आना ही तो मेरा महान काम है, इसी चीज़ पर अड़िग है। तो सब लोग लड़ रहे हैं और सब लोग इज्जत के साथ आवाज़ उठाइए, क्योंकि बहुत पावर है सोशल मीडिया पे। जो लोग गालियाँ देते हैं बेशक दीजिए, क्योंकि आपका दर्द हम समझ सकते हैं, हम उसका इलाज नहीं कर सकते, सॉरी उसका इलाज तो हमारा कानून ही कर सकता, उसका फैसला ही कर सकता, अपने कानून, अपने भारत, अपने संविधान पर हमको पूरा भरोसा है, हमें पूरा यकीन है। जो इनलीगल घुसपैठ करके आई है, जो गुलाम हैदर का घर बर्बाद करके आई है, जो गुलाम हैदर के चार बच्चों को लेके आई है, उसको उसका हक जरूर देगी हमारी भारत सरकार, क्योंकि गुलाम हैदर ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की, हमारे देश की बहन बेटियों से रिक्वेस्ट की है। हम सम्मान करते हैं क्योंकि एक दूसरे मुल्क का होने के बावजूद उसने एक गुहार लगाई है देश से, तो यहाँ पे उसकी बात सुनी गई है। भारत सरकार ने, हमारे माननीय कोर्ट ने गुलाम हैदर को ऑर्डर किए हैं भारत आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, जिसको लेके महिला बौखला गई है। अब ये हर तरीके के हथकंडे अपना रही है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने तरीके से बिल्कुल इज्जत के साथ गाली गलौज बदतमीज तरीके से मत कीजिए, क्योंकि ये अपशब्द हम लोगों को शोभा नहीं देते। अच्छे शब्दों के साथ इसका विरोध खुलकर कीजिए, क्योंकि हमारा हक बनता, हमारा देश है, हमारा अधिकार है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जिस तरीके से महिला बेल पे आने के बाद गलत गलत चीज़ें करती है, ये बहुत बुरी तरीके से अपने ही जाल में फंस चुकी है। अब वो समय दूर नहीं है जब इसे इसके कर्मों का सजा हमारा भारत देश देगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सेविका हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।